please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. राजस्थान में घनश्याम तिवाड़ी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। घनश्याम तिवाड़ी ने आरोप लगाया कि पूरी पार्टी एक आदमी की जेब में है और हर मंच से यह मुद्दा उठाने के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला किया है। घनश्याम तिवाड़ी ने वसुंधरा राजे पर भी निशाना साधा है। हमारे साथ है घनश्याम तिवाड़ी, बीजेपी के सीनियर नेता थे, इस्तीफा दे चुके हैं, नया परिचय, नई पार्टी। मैंने भारतीय जनता पार्टी से अपना त्यागपत्र दे दिया 25 जून को। कारण 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था और उस आपातकाल के विरोध में भाजपा एक दिवस मना रही है, काला दिवस। मैं उस आपातकाल का सबसे बड़ा विक्टिम था, लेकिन आज प्रदेश में और देश में जो अघोषित आपातकाल लगा हुआ है उसके विरोध में मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और अब भारत वाहिनी पार्टी का गठन कर उसके बेंदर के तले चुनाव लड़ेंगे। कौन से आपातकाल की बात करें आप, ऐसा क्या आपातकाल है जो आपको इतना बड़ा कदम उठाया आपने, क्या लग रहा है? आपातकाल सबको दिख रहा है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बंगले खाली हो गए, उत्तर प्रदेश में बंगले खाली हो गए, हरियाणा के मुख्यमंत्री दो दो बंगलों पर कब्जा कर वेतन विधेयक करके बैठी है। मैंने सड़क पर उतर कर लिया, दिल्ली वालों कह दिया, कब्जा किए बैठी है। काला कानून राजस्थान में लेकर आए थे प्रेस की स्वतंत्रता गला घोटने के लिए, इसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का भी गला घोटा जा रहा है और विभिन्न संस्थाओं को एक सरकार के हस्तक के रूप में प्रयोग लिया जा रहा है। ये अघोषित आपातकाल की स्थिति है और इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। आप मुंबई में वडाला के एंटॉप हिल इलाके में कुछ लोग जमीन धंसने की वजह से मलबे में दबी गाड़ियों को देखने लगे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि भारी बारिश के बीच इमारत के नीचे नींव खोदे जाने की वजह से ये जमीन धंस गई, जिसकी वजह से वहां खड़ी कई गाड़ियां मलबे में दब गई। आसपास के लोगों के मुताबिक सुबह लगभग 4 बजे अचानक भारी बारिश के बाद पार्किंग की जमीन धंसने लगी। 100 फीट नीचे जमीन के नीचे ये नींव पड़ना शुरू हुई थी, पानी पूरी तरह से भर चुका था और साथ ही साथ ये लैंडस्लाइड होने की वजह से जो गाड़ियां हैं बिल्कुल खिलौने की तरह इसमें धस चुकी हैं। और इसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया और वो इमारत से बाहर आ गए। सडनली हमने पूरा वॉल गिरते हुए देखा, उसके ऊपर जो छपरे हैं वो सबको गिरते हुए देखा। जमीन धंसने की खबर मिलते ही पुलिस और बीएमसी के अफसर भी मौके पर पहुंच गए। एंटॉप हिल में जमीन धंसने वाली जगह के आसपास के इलाके का मुआयना शुरू कर दिया गया। इसके बाद अफसरों ने पास की लॉयड बिल्डिंग के एक हिस्से को खतरनाक घोषित कर दिया, क्योंकि आसपास जमीन धंसने का खतरा बढ़ गया। कुछ दीवारों पर दरार भी दिखाई दी, जिसके बाद लोग डर के मारे अपने फ्लैट से बाहर निकल गए। डीविंग पूरा खाली करा दिया है यहाँ पे और ये पता नहीं और कितना डैमेज होएगा। इसका स्ट्रक्चर ऑडिट अभी भी मैंने उसको ऑफिसर को पूछा, बोले अभी चल रहा है, हुआ नहीं है। जब हुआ नहीं तो आपने काम करने की परमिशन कैसे दी? बताया जा रहा है कि जिस इमारत को बनाने के लिए 100 फीट गहरी नींव खोदी जा रही थी उस पर अभी कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन फैसला आने से पहले ही खुदाई होने से आसपास की दर्जनों इमारतें खतरे में पड़ गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस के एक विधायक मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ को जूते पहनाने लगे। कांग्रेस विधायक की इस हरकत पर राज्य की सियासत गर्मा गई और बीजेपी ने इस मुद्दे को लपकने में देर नहीं लगाई। मामले से जुड़ा एक मोबाइल वीडियो भी सामने आया, जिसमें विधायक रजनीश सिंह झुककर कमलनाथ को जूते पहनाते दिखाई दिए। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर सामंतवादी सोच रखने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस के विधायक ने लोकतंत्र को भी शर्मसार किया है और उसके साथ साथ अपने क्षेत्र की जनता को भी शर्मसार किया है। मामले को तूल पकड़ता देख खुद विधायक रजनीश सिंह सामने आए और जूते पहनाने को जायज ठहरा दिया। मैं अपने पिता की सेवा करता नहीं करता, पिता की करता था नहीं करता था, तो कमलनाथ जी भी मेरे पिता तुल्य हैं। विधायक ने यह भी दावा किया कि भीड़ की वजह से जूते अपनी जगह पर नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने नेता के सम्मान में ऐसा किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में दलितों को आरक्षण दिए जाने की मांग की। योगी ने सवाल उठाया कि जब दलितों को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आरक्षण मिल सकता है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया में आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता। सीएम योगी ने कन्नौज में बीजेपी के दलित विरोधी होने के सवाल के जवाब में यह बात कही। एक प्रश्न ये भी पूछा जाना चाहिए उन लोगों से जो लोग कह रहे हैं कि दलितों का अपमान हो रहा, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर दलित भाइयों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, इस बात को कब उठाने का कार्य लोग करेंगे। बिहार की कैमूर में एक सुनसान रास्ते पर कुछ बदमाश एक लड़की के साथ छेड़खानी करने लगे। आरोपी की बदमाशों ने अपने छोटे भाई के साथ पूजा में जा रही लड़की के साथ काफी देर तक बदसलूकी की।
जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वीडियो में 5 से 6 बदमाश लड़की को घेर कर खड़े दिखाई दिए और उसे पकड़कर उसके साथ छेड़खानी करने लगे। लड़की खुद को छोड़ने की मिन्नतें करती रही लेकिन बदमाशों पर कोई असर नहीं पड़ा। पीड़ित लड़की के भाई ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन बदमाशों ने उसे धक्का देकर किनारे कर दिया। छेड़खानी के दौरान बदमाशों ने लड़की और उसके भाई से पैसे भी छीन लिए। 10 आदमी के सामने 10 आदमी की बात नहीं मानू। आरोपी किन बदमाशों ने 27 मई को इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर भी साझा कर दिया, जिसकी 30 मई को पीड़ित लड़की की ओर से पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई, लेकिन पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और दावा किया कि कई बार थाने के चक्कर काटने के बावजूद पुलिस ने अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। पीड़ित परिवार ने जल्द इंसाफ नहीं मिलने पर आत्मदाह की भी धमकी दी। न्याय नहीं मिलेगा तो हम उनके मट्टी के तेल गिरा के वो इसी के सामने हमने जितना परिवार बना। हालांकि पुलिस ने वारदात में शामिल सभी आरोपियों की पहचान होने और एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। की गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया जा चुका है। पीड़ित परिवार ने केस वापस लेने के लिए आरोपियों की ओर से लगातार धमकी मिलने का भी आरोप लगाया।